अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कॉकलिया। ठीक है, कॉकलिया और बेसिकली जो कॉकलिया के अंदर कैनाल्स बनती हैं, एनाटॉमी के हिसाब से उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने कि वो किस तरह होता है, मॉड्यूलस क्या होता है। अभी ये विनेगर की बोतल रखने का कोई खास मकसद नहीं है, एक्चुअली आई वॉन्ट टू शो यू कॉकलिया की किस तरह से बनता है और मॉड्यूलस क्या होता है। अभी जो आपको बीच में बॉटल नज़र आ रही है ना, ये है आप समझ लें मॉड्यूलस। मॉड्यूलस असल में एक कोन शेप्ड चीज़ होती है, फिर मैं आपको डायग्राम और पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, सो यू विल गेट इट इजीली। कोन शेप्ड एरिया होता है, ठीक है, जिस तरह ये बोतल की शेप भी ऑलमोस्ट कोन जैसी होती है। ये जो इसका रेड वाला बॉटल ओपनिंग एरिया होता है, ये इसका कोन की टिप है और नीचे इसकी बेस है। कोन शेप्ड एरिया के गिर्द जिस तरह से ये पाइप मैंने वाइंड अराउंड की है ना, कि एक तरफ से मैंने इधर से इसको स्टार्ट किया और यहाँ पर आके ख़त्म किया, आफ्टर थ्री टर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं, ऑलमोस्ट टू एंड हाफ बनाए थे मैंने, तो ये इस तरह से कॉकलिया इस पर वाइंड होता है। ठीक है, उसके गिर्द इसके होते दरमियान में जो मॉड्यूलस है वो रहता है। अब आप खुद देखें कि इस तरह से एक चीज़ वाइंड हुई हुई हो और अगर हम इसको दरमियान से काट दें तो आपको पिक्चर कुछ ऐसी नहीं नज़र आएगी कि आपको सारे सुराख नज़र आएंगे ऊपर नीचे हुए हुए। ठीक है, एक सुराख अगर मैं इसको दरमियान से दो हिस्से कर दूँ इस पूरे पोर्शन को, तो एक दो तीन सुराख आपको इस साइड पे नज़र आएंगे, इस तरह एक दो तीन सुराख इधर नज़र आएंगे। मेरे से तो इतना अच्छा सा वाइंड अराउंड नहीं हुआ बिकॉज ये पाइप बहुत सख्त है, लेकिन ये होता है कि ऊपर वाली सबसे वाली ओपनिंग जो कोन के एपेक्स के करीब होती है वो सबसे करीब होती है, ज़ाहिर है वो ज़्यादा अंदर होती है, फिर उससे नीचे वाली जो टर्न्स है सॉरी जो नीचे वाले टर्न्स है कॉकलिया के वो थोड़े दूर दूर होते जाते हैं, क्योंकि कोन जो है वो नीचे तरफ ब्रॉड होती जाती है। अब इसकी आप पिक्चर देखें कि किस तरह मैं कह रही हूँ, जस्ट सी दिस। ठीक है, अब आपको इस पिक्चर में बहुत अच्छा उन्होंने बताया है कि ये कॉकलिया की उसी तरह से टर्निंग हो रही है जिस तरह मैंने अभी आपको बताई है, और उसको अगर हम दरमियान से काटें तो एक दो और तीन टर्न्स मतलब टू एंड हाफ टर्न्स होते हैं जो आपको कॉकलिया के नज़र आते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी कॉकलिया किस तरह से वाइंड राउंड होता है। ये जो मॉड्यूलस है दरमियान में, ये वाला वो पाइप होगा। ठीक है, दरमियान का वो एरिया यहाँ पर सेंटर में पड़ा हुआ है, जिस पर जिधर लिखा हुआ है उन्होंने मॉड्यूलस, ये वो बोतल है सॉरी, जो बोतल मैंने अभी आपको रखी हुई बीच में दिखाई थी, कोन शेप्ड होता है। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें इनसाइड द कैविटी, ईयर कैविटी, तो इसकी जो कोन का एपेक्स होता है वो फेस कर रहा होता है टुवर्ड्स द मिडल ईयर कैविटी। ठीक है, और दूसरी तरफ इसकी बेस होती है, तो मिडल ईयर कैविटी यानी एंट्रोमीडियली इसका एपेक्स होता है, दूसरी तरफ इसकी बेस होती है। इसी से कॉकलिया आपको सामने इस तरह पड़ा हुआ नहीं नज़र आता, आपको कॉकलिया सामने से नज़र आता है लाइक दिस। क्या देखिए, कॉकलिया आपको ईयर की कैविटी के अंदर इस तरह पड़ा हुआ नज़र आता है, लेकिन अगर हम इसी को उठा के यूं करके देखेंगे तो इसका ऊपर वाला टर्न ऊपर होगा, फिर उससे नीचे और फिर उससे नीचे। ठीक है, मतलब इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसकी जो दरमियान में ये वाला रीजन है, यहाँ पर इसकी वो कोन शेप्ड एरिया पड़ा होगा जिसकी पॉइंटिंग इस तरह से कि वो एंट्रोमीडियली फेस कर रहा है। ठीक है जी, अच्छा अब बताती हूँ मैं इसके अंदर स्पायरल लेमिना और स्पायरल गैंग्लिया क्या होता है। अच्छा, अब होता क्या है असल में कि जैसे आपको ये नज़र आ रहा है ना इनर ईयर के अंदर कॉकलिया में, ये वाला जो आपको ब्लू सा छोटा सा पोर्शन है, ये है कॉकलियर डक्ट। डेवलपमेंटली क्या होता है, कॉकलियर डक्ट पहले डेवलप होती है, मतलब सारी की सारी जो डक्ट है, और जो बाहर बोनी पोर्शन है या कॉकलियर केनाल जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कॉकलियर डक्ट अंदर उसको कहते हैं और कॉकलियर केनाल बाहर बोनी पोर्शन को कहते हैं, ये बाद में डिवेलप होती है। तो बात यह है कि जब कॉकलियर डक्ट पहले डिवेलप होगी, कॉकलियर केनाल उसके गिर्द ये पूरी बाहर डिवेलप होती है, सेंटर में मॉड्यूलस होता है, तो दरमियान में ये जो सेपरेशन सी है ना छोटी सी ये वाली, ये नहीं होती है, सिर्फ ये पूरी की पूरी इस तरह से केनाल डेवलप होती है और एक साइड पे उसके चिपकी हुई होती है कॉकलियर डक्ट, बाकी पूरी कैविटी कॉन्टीन्यूस होती है। ठीक है, जिस तरह मैं अगर यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ तो ये आपके सुराख है, उसकी एक तरफ मतलब एक पाइप है, ये एक पाइप का सुराख है, ठीक है, और उस पाइप की एक तरफ हमने एक और छोटा पाइप अंदर फिक्स कर दिया, ये एक लंबा पाइप था ऐसे करके अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, और ये पाइप की एक साइड है, इस साइड पर हमने इसके एक और छोटा सा पाइप ऐसे फिक्स कर दिया ला के, बाकी जो इसकी साइड्स हैं सारी आपस में कॉन्टीन्यूस हैं। अब ये तो समझ आ गया कि ये वाला जो हमारे पास कॉकलियर डक्ट है ये तो होता है स्केला मीडिया। अब स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई किस तरह बनते हैं, तो जिस तरह आपको ये डायग्राम में उन्होंने दिखाया हुआ है कि दरमियान में मॉड्यूलस है, ठीक है, ये मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस हर तरफ एक बोनी सेपरेशन भेजता है। देखें, ये इधर भी आ रही है मॉड्यूलस की बोनी सेपरेशन, ये यहाँ पर भी मॉड्यूलस की बोनी सेपरेशन आ रही है, इधर भी आ रही है, इधर भी और इधर भी, ये बोनी सेपरेशन वहाँ तक जाती है जहाँ तक आपका ये कॉकलियर डक्ट स्टार्ट नहीं हो जाती या फिर स्केला मीडिया स्टार्ट नहीं हो जाता, ठीक है, यहाँ तक आती है। इस बोनी सेपरेशन जो मॉड्यूलस से आ रही है इसको हम कहते हैं स्पाइरल लेमिना, और इसकी वजह से एक पोर्शन ऊपर बन जाता है स्केला वेस्टिबुलाई, एक पोर्शन नीचे बन जाता है स्केला टिम्पेनाई, और दरमियान में रह जाता है स्केला मीडिया। फिर ये बोनी प्रोजेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ स्केला मीडिया की या फिर इस कॉकलियर डक्ट की टिप तक आती है, मजीद जो आगे होता है ये ऊपर की तरफ आ जाती है हमारे पास बेजिलर वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन,
नीचे की तरफ आती है ये बेजिलर मेम्ब्रेन। ये वेस्टिबुलर और बेजिलर मेम्ब्रेन्स का सिर्फ हमने नाम दिए हैं, ये ऑलरेडी आपकी कॉकलियर डक्ट जो होती है प्रेजेंट उसी का पार्ट होती है, ठीक है। ऊपर वाली जो इसकी रूफ होती है उसे हम कहते थे वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, जो स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला मीडिया से सेपरेट करिए। नीचे वाली जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं बेजिलर मेम्ब्रेन, जो नीचे वाले स्केला टिम्पनाई को स्केला मीडिया से सेपरेट करिए। तो ये आपका है स्पायरल, आपका जिसे आप कहते हैं स्पायरल लेमिना। अब स्पायरल गैंग्लिया जो है वो क्या होता है, वो इस डायग्राम में देखिए उसी कॉकलिया की पिक्चर थोड़े से डिफरेंट अंदाज में दी हुई है। अब देखिए ये वाला दरम्यान में उसी तरह मॉड्यूलस है और साइड पे ये सारी आपकी कॉकलिया डक्ट्स हैं, जिस तरह मैंने बताया था उसी तरह पिक्चर ली गई है। ये वाली यहाँ से ये बोन जा रही है जो जाके इधर तक इसके, ये आपके पास केला मीडिया था जो पहले का पड़ा हुआ था, इसकी टिप तक जाएगी, जिसकी वजह से एक ऊपर और एक नीचे का पोर्शन बनेगा। पहले ये ऊपर और नीचे वाले दोनों पोर्शन जो पिंक वाले हैं ये कॉन्टीन्यूस थे। जब ये इधर इस तरफ जा रही होती है तो रास्ते में इसकी एक स्वेलिंग आती है, ठीक है, इसके स्पायरल लेमिना की, उसको हम कहते हैं स्पायरल गैंग्लियन। और स्पायरल गैंग्लियन की आगे की कॉन्टीन्यूएशन होती है जो इनको सेपरेट करती है, ठीक है। तो ये असल में स्ट्रक्चर है आपके कॉकलिया का, इस तरह से बनता है। 2.5 टर्न्स होते हैं इसमें, आपके पास ऊपर की तरफ सबसे होता है स्केला वेस्टिबुलाई, दरम्यान में स्केला मीडिया, नीचे स्केला टेम्पेनाई, इन दोनों को जो सेपरेट कर रही है एक जगह पर वो है मेनली आपकी वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, और थोड़ी सी जगह पर सेपरेशन जो है वो इन दोनों की आपस में हो रही है बाय द स्पायरल लेमिना। नीचे की तरफ है आपकी बेजिलर मेम्ब्रेन और फिर इधर आता है स्पायरल लेमिना। सो इफ यू वेन यू केयर अबाउट इट यू कैन आस्क थैंक यू।